मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अंतिम सभा पृथ्वीपुर में हुई। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि पृथ्वीपुर से गुंडों के आतंक का सफाया कर दिया जाएगा। तो वहीं शिवराज के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भी पृथ्वीपुर में गुंडागर्दी का हवाला देते हुए कहा कि अगर यहाँ जनता की तरफ से किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका जवाब ताकत के साथ दिया जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा कि यहाँ सिर्फ कानून का राज रहेगा। ध्यान रहे पृथ्वीपुर में शिवराज की सबसे ज्यादा 8 जनसभाएं हुई हैं, तो वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस के पक्ष में केवल एक ही सभा की है। बीजेपी ने पृथ्वीपुर सीट को नाक का सवाल बनाकर चुनाव लड़ा है, तो वहीं कांग्रेस यह सभाएं जगह इसकी जगह पर घर घर संपर्क की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार थमने के बाद अब सबकी नजर मतदान और 2 नवंबर को आने वाले नतीजों पर है। दोनों ही दलों के नेताओं ने इस दौरान जमकर दौरे किए, जनसभाएं की और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नेताओं से जीत की रणनीति पर मंथन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खंडवा में 9 जनसभाएं की, वहीं रैगांव में 10 और पृथ्वीपुर में 4, जोबट में 1 सभा की। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खंडवा में 7, रैगांव में 2, पृथ्वीपुर में भी 2 सभाएं और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने खंडवा में 3, जोबट में 1 और पूर्व सीएम उमा भारती ने पृथ्वीपुर में 4 और रैगांव में 2 जनसभाएं की। उधर कांग्रेस के खेमे में दिग्विजय सिंह ने खंडवा में 3 और पृथ्वीपुर में 1 सभा की। वहीं प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने खंडवा में 4, जोबट और पृथ्वीपुर में 1-1 सभा की। राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने खंडवा में 3 सभाएं की। वहीं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने भी खंडवा में 4 सभाएं की। इसके अलावा अजय सिंह ने भी खंडवा, रैगांव और पृथ्वीपुर में सभा ली।